ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। कानपुर में कुमार साहू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो गोविंद से ऑटो किराए पर लेकर दिन भर मेहनत करते हुए उसे चलाकर जो पैसे कमाता था उसमें ऑटो का किराया देकर बाकी पैसों से खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन साहू से उसकी पत्नी सुधा, कुमार तुम सवेरे से शाम तक मेहनत करके जो पैसे कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा तो तुम गोविंद को किराए पर देते हो, पर यदि तुम्हारा खुद का ऑटो हो तो किराए का पैसा तो बच जाएगा ना। जरा सोचो, एक नया ऑटो खरीदते हैं। सुधा तुम समझ नहीं रही हो, नया ऑटो खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अपने पास इतने पैसे तो है नहीं, मेरे पास यूं थोड़े थोड़े बचाए हुए 50,000 रुपए हैं। जो भी खरीदना हो उन्हीं पैसों से खरीदना होगा। देखता हूं कि कोई सेकंड हैंड ऑटो मिल जाए तो उसी को ठीक करा के आराम से चला सकता हूं। यूं कहकर वो 50,000 रुपए लेकर केशव मैकेनिक के पास गया। साहू केशव से, केशव मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो मैंने जमा किया है, मुझे एक ऑटो चाहिए। कोई पुराना ऑटो हो तो बताना दोस्त। अरे 50,000 में अच्छा ऑटो कहाँ मिलता है कुमार, कोई पुराना खटारा ही मिलेगा। उसके रिपेयर के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे हाँ एक ऑटो मुझे याद आया, उसका इंजन बढ़िया है और वो मॉडल भी अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना ऑटो है। उसे अपना सिनेमा थिएटर वाले इस्तेमाल करते थे, अब तो सारे थिएटर बंद है ना, इसीलिए वो भी एक कोने में पड़ा है। चलो एक बार उसे देखाते हैं। कहकर कुमार को लेकर थिएटर के पास गया। वहां वो ऑटो एक कोने में खड़ा था। जब सिनेमा थिएटर भरे होते थे तब ये ऑटो बहुत चलता था। जब भी कोई नई फिल्म लगती थी तब इस ऑटो में बैठकर माइक पकड़कर उसका प्रचार करते थे। सब बच्चे उसी के पीछे भागते थे, जानते हो। मैं क्यों नहीं जानता, मैं इसे जरूर लूंगा चाहे कितना भी खर्च हो। पता है क्यों, ये मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल है। इस ऑटो को कोई और नहीं मेरे पिताजी ही चलाते थे, अब वो रहे नहीं, उनकी याद में इसे ले जाकर रिपेयर कराऊंगा। इसके पुराने हुलिये को बदलो और इसे रिस्टोर करके एक विंटेज लुक देकर ले आओ। इसको अच्छा डिजाइन करके ले आना दोस्त। तब केशव उस ऑटो को ले जाकर उसे रिस्टोर करके उसे बदल कर एक नया रूप देकर उसे ले आया। उसे देखते ही कुमार साहू, वाह क्या बात है केशव, तुम बहुत बढ़िया कारीगर हो यार, मजा आ गया। अब देखो इस ऑटो में मैं, देखिए भाइयों और बहनों, एक पुराने ऑटो को नए ऑटो में बदलने वाले केशव की कारीगरी, केशव महाराज की जय, ऐसा प्रचार करूंगा। कहकर उसका गुण गाता हुआ उसे पैसे देकर ऑटो लेकर सवारी ढूंढने लगा। वो यूं गया ही था कि कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को रोक कर उसे और उस ऑटो को लेकर सीधा थिएटर चले गए। वहां खड़ा थिएटर का मालिक, क्यों रे किससे पूछ कर ले गया था ये ऑटो, क्यों चोरी करते हो कमीने, तुझे तो, कहकर उसे मारते हुए, इस ऑटो के टायरों को क्या किया, कहां है वो, कहां छिपा कर रखा है, कहकर उसे मारने लगा। सर इसे आपके मैनेजर प्रकाश ने ही बेचा था, इसे केशव ले जाकर रिपेयर करके मुझे बेचा सर, मैंने 50,000 में खरीदा है। पुराने टायर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, उन्हें निकाल कर केशव भाई ने ही नए टायर लगाए थे। ठीक है इसे वहाँ बांध दो, उस केशव को उठा कर ले आओ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। तब वो केशव को पकड़ कर उसे पीटते हुए ले आए। क्यों रे मैकेनिक, उन ऑटो के पुराने टायरों को क्या किया तुमने, कहाँ छिपा कर रखा है, कहकर उसे मारने लगा। सर सर ना मारे सर, ओह ओ, वैसे हुआ क्या है सर, उन टायरों में ऐसा क्या है सर जो इतना मार रहे हैं आप। सर आपका मैनेजर प्रकाश ने उन टायरों को बच्चों को खेलने के लिए दे दो कहकर ले गया सर, मैंने कहा भी था कि वो टायर तो बड़े अच्छे हैं, तो उसने कहा पुराने टायरों से तुम क्या करोगे केशव, नया ऑटो बना रहे हो ना तो नए टायर ही लगा दो, कहकर टायरों को यहीं उतार कर मुझे खाली ऑटो दिया था सर। अगर ये सच है तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। इनकम टैक्स के रेड से बचने के लिए अपना सारा सोना उन टायरों में मैंने छिपाया था, ये बात कोई और नहीं जानता, ये बात किसी तरह प्रकाश को पता चल गया होगा, इसीलिए चुपचाप तुम्हें उसने ये ऑटो बेचा है। उसे कह रहा था कि कोई चोर ले गया, जब मैंने पता किया तो मैंने ये जाना कि केशव यहाँ से ऑटो को ले गया और कुमार ने उसे खरीदा, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लेके आया हूँ।
फिर मैनेजर प्रकाश को भी वहाँ लाकर खूब मारा। तब उसने सच कबूल किया। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं आपका सारा सोना लौटा दूंगा। उन टायरों को गायब करके बिना टायर के ऑटो इन दोनों के पल्ले बांध दिया भाई, ये लीजिए गहने, कहकर सारा गहना उसे वापस किया। अपने गहने के मिलने की खुशी में केशव और साहू को उसने छोड़ दिया। फिर अपने आदमियों से प्रकाश को खूब पीटने के लिए कहा और वहाँ से चला गया। केशव और साहू जान बची सो लाखों पाए यूं सोचकर ऑटो में ही सीधा अस्पताल जाकर अपना इलाज कराने लगे। मिनी एटीपी बाइक रिस्टोरेशन। एक गांव में गगन कहकर एक कचरा जमाने वाला रहता था। गगन कूड़ेदान के पास प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक कवर्स जैसे चीजों को इकट्ठा करता था। पुराने खिलौने दिखाई दिए तो उन्हें ले जाकर उस गांव में खिलौने बेचने वाला बर्मेश को देता था और बर्मेश गगन को 5 या 10 रुपए देता था। बर्मेश उनको नया जैसा बदलकर उनके दुकान में बेचता था। एक दिन गगन बर्मेश से, सर मैं जो लाता हूँ उन पुराने खिलौने से ही आपका दुकान चल रहा है, आप तो नया खिलौने बिल्कुल नहीं मंगा रहे हैं, आप बच्चों को ही नहीं मुझे भी धोखा दे रहे हैं, मुझे तो 5 या 10 देकर आप तो उन खिलौनों को 100 से ज्यादा और हजारों में बेच रहे हैं, ऐसा है तो नहीं चलेगा सर, मुझे भी आप जो बेचते हैं उसमें आधा हिस्सा देना चाहिए। क्यों बे, कुछ नया सा बात कर रहे हो, तुम्हारे लाए हुए खिलौनों से मेरा दुकान चल रहा है, तुम्हें तो वो 5 या 10 देने का जरूरी भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे कचरा जमाने वाले 4 लोगों को बुला सकता हूँ, तब तुम्हें खाने के लिए खाना तक नहीं मिलेगा रे, इसलिए चुपचाप जो दिया उसे लेकर जाओ, नहीं तो भूखे मर जाओगे। क्यों धमकी दे रहे हैं क्या, एक जमाने में मैं भी अच्छा जिया था, व्यापार में नुकसान होकर ऐसा कचरा जमा रहा हूँ, देखते रहना एक ना एक दिन मैं इस गांव में एक बड़ा सा खिलौनों का दुकान लगाता हूँ और आपका दुकान बंद हो जाएगा, ऐसा करता हूँ। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देख चुका हूँ, जाओ जाओ। एक दिन गगन को कूड़ेदान में एक मिनी एटीबी बाइक मिला था, वो बहुत जंग लगकर पुराना हो चुकी थी। गगन उस बाइक को घर लेकर आया। उस बाइक को देखकर उनका बेटा चीकू, बापू ये बाइक तुमको कैसे मिला, ये तो एटीबी बाइक है, ये तो बहुत महंगा है, इसे अच्छे करेंगे तो कम से कम 5,000 में बेच सकते हैं। तब गगन खुशी से, अच्छा आइडिया दिया है बेटा, फिर तो इसे जितना भी मुश्किल हो अच्छा करना चाहिए। तब दोनों मिलकर उस एटीबी बाइक को रिस्टोर करना शुरू किए। गगन टूटा हुआ पार्ट्स का वेल्डिंग करने लगा। चीकू उसे पेंट लगाया। चीकू उस एटीपी बाइक पर चढ़कर स्टार्ट किया, वो तुरंत शुरू हुआ, तब वे दोनों बहुत खुश हो गए। बापू मैं इसमें एक राउंड मार के आता हूँ, कहकर उस पर बाहर गया। चीकू उस बाइक पर जा रहा था तब एक बड़ा कार आकर उसके सामने रुकी। चीकू भी उस बाइक को कार के सामने रोका। उस कार में से अनिश कहकर एक बड़ा अमीर आदमी उतरा। अरे ये तो मेरा बचपन का एटीबी बाइक है, ये तो उस वक्त मार्केट में नया आया था, मैं जिद करने से मेरे पिताजी इसे खरीद कर दिए, जब से ये हमारे घर में आया तो हमारा व्यापार में बहुत फायदा हुआ है कहकर मेरा पिताजी कहते थे, मुझसे भी वही हुआ, आजकल ये घर में नहीं दिखाई देने से मैं बहुत घबरा गया, मेरी पत्नी से पूछा तो पुराना बन गई है इसलिए फेंक दिया कहकर बोली, तब से लेकर इसके लिए ढूंढने का जगह ही नहीं, मेरे बाइक मुझे दे दो बाबू, तुमको 10,000 देता हूँ। तब चीकू को एक विचार आया। क्या सिर्फ 10,000 रुपए देंगे, इस डब्बा बाइक को मैं और मेरा पिताजी बहुत मेहनत करके रिस्टोर किया था, देखा ना आपने इसे नया बाइक जैसा बनाया, खाली 10,000 में तो इसे देने का सवाल ही नहीं है। ठीक है रे, अब मार्केट में इसका दाम 50,000 रहता है, तुम्हें 50,000 देता हूँ, इसे मुझे बेच दो। सर
सर नया बाइक खरीदना बहुत आसान है, लेकिन जंग लगा हुआ बाइक को रिस्टोर करना 10 गुना मुश्किल है। अब इस बाइक से आपके पोते और उनके पोते भी खेल सकते हैं, पता है? तुम तो ऐसा वैसा चालाक नहीं हो, दुनिया का सबसे खतरनाक दिमाग है तेरा। ठीक है, ये मुझे बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, और कुछ मत कहो। और क्या कह सकता हूँ सर, रस्सी काटने तक नहीं खींचना है कहकर मुझे भी पता है। तब अनीश उसको 5 लाख देकर बाइक लेकर गया। तब चीकू उन पैसों से घर आया। बाइक क्या हुआ और इतने पैसे तुमको कहाँ से मिले? हमने जो रिस्टोर किया है ना, उस बाइक को 5 लाख में बेच दिया है बापू, कहकर जो हुआ उसे बताया। तब गगन खुशी से, अरे तुम बड़े होने के बाद बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे, ये तो पक्का है। गगन उन पैसों से अच्छे से खिलौनों का दुकान लगाया, अच्छे से खिलौने मंगा कर उसमें बेचने लगा। ऐसे ही एटीबी बाइक्स को भी बेचता था। ऐसे गगन बहुत पैसे कमाने लगा। उससे बर्मेश का व्यापार बिल्कुल गिर गया और बर्मेश दुकान बंद कर लिया। 24 कैरेट गोल्डन स्पोर्ट्स कार रेस्टोरेशन। एक गांव में राजा नाम का एक एटीएम सिक्योरिटी के तौर पर काम किया करता था। उसे अमीर बनने का बहुत शौक था। रोज लोग पैसे ड्रॉ करके गिनती करते थे तो वो बड़े आस से देखता था। छी, क्या जिंदगी है मेरी, अब मैं हमेशा यूं ही गरीब ही रहूंगा क्या? करोड़पति कभी नहीं बनूंगा, ये भी कोई जिंदगी है क्या? यूं दुखी होता था। उसके गले में एक चेन हुआ करती थी। एक दिन वो एक मारवाड़ी दुकान पर जाकर चेन सेठ को दिखाकर, सेठ जी ये गिरवी रखकर कितना दोगे? आज मेरे दोस्त के साथ पार्टी करना है, तनखा आते ही चुड़वा दूंगा। सेठ उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए, क्यों भाई इसे गिरवी रखकर पैसे देना? कैसे दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये सोना नहीं है, कम से कम नकली 1 ग्राम का भी सोना नहीं है, जाओ भाई, कहते हुए डांटा। उसके घर पर उसके दादाजी की एक तस्वीर थी। रोज सब उनके आगे हाथ जोड़ने का एक नियम बनाए हुए। उसे रोज सपनों में उसके दादा सोने की कार में जाते हुए दिखाई देते थे। उनका इसे बुलाना, इसका उनके करीब जाना और जाते ही वो और उनकी कार गायब हो जाना, ऐसे होता रहता था। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती थी। सामने मौजूद दादा के फोटो को गुस्से से देखता था। एक दिन दादा के फोटो के पास गुस्से से, ये क्या है माँ, रोज रोज का टॉर्चर है, ये अगर बड़े जमींदार थे तो हमारे लिए क्यों कुछ नहीं छोड़े, इन्होंने क्या किया है कि रोज हाथ जोड़े, ऊपर से गले में ये एक चाबी, वो सोने का भी नहीं है, शांति से सोने तक नहीं देते, रोज सपने में आकर तंग कर रहे हैं, छीछी क्या जिंदगी है। गलत है बेटा, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा किए थे, लेकिन तभी अंग्रेजों ने हमला किया तो उसे कहीं छिपा कर रख दिए, फिर दिल का दौरा आ जाने से वे अचानक मर गए। हारे, वो मरते मरते मुझे कुछ बोलने की कोशिश किए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस एक चाबी लगा हुआ चेन मुझे देकर गए रे, वो मैंने तुम्हें दे दिया। एक दिन कोई काम से अलमारी के ऊपर तलाश कर रहे राजा को एक मैप दिखाई दिया। उसे वो घर वालों को दिखाया। पिताजी ये कोई मैप जैसा है, एक जगह पर ये हरे रंग का निशान भी लगाया हुआ है, ये हमारे घर में कैसे आया, कहीं ये हमारे दादा का छिपाया हुआ तो नहीं, वैसा हो तो मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। फिर वो उस मैप को लेकर जंगल में ढूंढने लगा। तब उसे एक पुराना बंगलो दिखाई दिया। वो उसके अंदर गया। वहाँ एक पुरानी कार और दीवार पर दादा का फोटो दिखाई दिया। वो कार के पास जाकर, ये रोज सपने में आने वाली कार की तरह दिख रही है, लेकिन वो सोने की थी ना, ये ऐसे क्यों है, सोचा। इतने में एक लोहे का पिंजरा ऊपर से आकर गिर गया, वो और कार उसमें फंस गए। कार में देखा तो एक ताला लगाया हो वैसे एक छेद दिखाई दिया। तुरंत उसके गले से चाबी को निकाल कर उसमें डालकर वो स्टार्ट किया। बस तुरंत वो कार स्टार्ट हो गई और उस पिंजरे को तोड़ते हुए बाहर निकली। वो कार लेकर घर आया। देखा, दादा ने ये काम किया है, बस बाल बाल बचकर आया हूँ, इतनी मेहनत किया तो आखिर में ये खटारा कार मिला है, क्या करेंगे इसका, वहाँ कुछ है ही नहीं, बेकार। उस रात सपने में दादा चलते हुए उसके पास आए।
बेटा मुझे माफ करो, मेरा जायदाद को आप तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजों के कारण वो नहीं हो पाया। मेरी पूरी जायदाद को इकट्ठा करके एक सोने की कार बनवाया, उसे कोई पहचान ना पाए इसीलिए उसे पुराना रंग लगाया। उसे चलाने के लिए एक ताला बनाकर चाबी तुम्हारे पिता को दिया। ब्रिटिश वाले उसे ढूंढ ना सके इसीलिए उस पिंजरे का इंतजाम किया। तुम जाकर वो कार को पानी से धो, तब वो सोने की कार में बदलेगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिली बेटा, अब मैं चलता हूँ, अब मैं कभी तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा, कहकर गायब हो गया। अगले दिन वो कार को पानी से धोया, बस वो कार सोने की कार में बदल गई। वो देखकर वे सब बहुत खुश हुए। राजा वो कार में बड़े गर्व से गांव में चक्कर लगा रहा था तो सारे लोग आश्चर्य से देखे। उसे बेचकर मिले पैसों से बड़ा घर कार सब खरीद कर वे सब खुशी से जिए। लालची मैकेनिक कार रेस्टोरेशन वाला मनोज नाम का कार मैकेनिक रहता था। वो बहुत लालची था। वो एक्सीडेंट में नष्ट हुए कारों को और पुलिस स्टेशन में सालों से पड़े हुए कारों को खरीद लेता था और उन्हें ठीक करके फिर से नया बना देता था। बहुत दिनों से बालाजी को कार खरीदने की इच्छा थी। वो मनोज के पास आया और यार मनोज, मैं बहुत दिनों से कार खरीदना चाहता था। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तभी खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पाया। चलो शादी से पहले खरीद लेंगे सोचा, पर वो भी नहीं हुआ। सोचा शादी में दहेज में मुझे कार मिलेगी, पर मेरे ससुरे ने एक साइकिल खरीद कर दिया। बाद में बच्चों को यूं बस में नहीं जाने देना चाहिए, यूं सोचकर कार खरीदना चाहता था पर तब भी मुझसे नहीं हुआ। बालाजी भाई मेरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कार खरीदना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। चिंता ना करो और खूब कमाओ। कमाने के कई तरीके हैं, चाहो तो कई तरीके मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। सोच लो, सबकी इच्छा होती है कि वो नया कार खरीदे, उसे भूल जाओ। बचपन से नया कार खरीदना चाहता था पर अब मेरा इरादा बदल गया है, इसीलिए सेकंड हैंड कार भी खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मार्केट में कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कार कम दामों में मिलते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। कोई अच्छी सी कार दिखाओ, ये लो पैसे, कहकर उसे 5 लाख रुपए दिया। इसे लेकर मुझे कोई बढ़िया कार देना भैया। ठीक है ठीक है, पर 5 लाख में आजकल बड़ी गाड़ी कहाँ मिलती है, कोई छोटी कार मिल सकती है, देखता हूँ। यार ऐसा ना कहो, मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि मैं बड़ी बड़ी कारों में घूमूं। इन पैसों से मेरी वो इच्छा पूरी करो यार। ठीक है, जैसे ही कोई अच्छी कार मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, कहकर बालाजी को भेजकर अपने मन में अच्छा फंसा बकरा, 5 लाख लाकर मुझे देता है, अब इसे 5 लाख का कार क्यों दूं? मार्केट में जो सस्ती मिले या फिर कबाड़ी के पास जो स्क्रैप है उसे लाकर उसे पॉलिश से चमकाकर इस बकरे के गले बांध देता हूँ तो मुझे बहुत पैसे बचेंगे, कहकर पुराने कार ढूंढ रहा था कि एक तालाब से एक खराब हुई पुरानी कार बाहर निकली। वो दिखाई दिया, उसे वजन के हिसाब से खरीद कर दुकान पर लाकर रातों रात एकदम बढ़िया पेंट करके चमकाकर बालाजी को बुलाया और वो कार दिखाया। दिखाते हुए, ये लो यार एकदम बढ़िया कार है, ये बहुत लकी कार है। ये कार खरीद कर एक चाय बेचने वाला एक टी एस्टेट का मालिक बन गया, झाड़ू मारने वाला वैक्यूम क्लीनर कंपनी का मालिक बन गया और करोड़पति बन गया। पता नहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाएगी, पर ये कार 5 लाख में नहीं मिलने वाली, मुझे इसके लिए 6 लाख देना पड़ा। अब तुम ही बताओ बिना लाभ के मैं इसे क्यों बेचूं? इसीलिए 6,50,000 में नक्की कर लेते हैं, तुम्हें और 1.5 लाख रुपए देना होगा, काफी है। दोगे तो ये कार तुम्हारी, क्या कहते हो? वरना इसे लेने के लिए मार्केट में लाइन लगी हुई है। कार देखने में तो बढ़िया है मनोज, ऊपर से तुम इसके बारे में जो कह रहे हो तो भला उसे कौन अपने हाथ से जाने देगा। ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ, कहकर घर जाकर पत्नी के गहने बेचकर मिले पैसे को लाकर मनोज के हाथ में थमा दिया। ये देखकर मनोज, अरे ये क्या, कल ही तो तुम कह रहे थे कि 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है, अब रातों रात ये पैसे कहाँ से पैदा हो गए? उधार किया क्या?
नहीं यार, पत्नी के गहने बेचकर लाया हूँ। ऊपर से इस कार से होने वाले लाभ की तुलना में ये गहना बेचना कोई खास बात नहीं लगा मुझे। ये मानकर पत्नी के गहने बिना बताए उसे बेचकर आया हूँ। ओहो, तुम तो बड़ी कुत्ती चीज निकले यार। तुम कार के लिए इतना रिस्क ले रहे हो भाई, तो तुम्हारे साहस को मैं सलाम करता हूँ। होशियार, घर में बेलन को छुपा कर रखना, झाड़ू को दूर फेंक देना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को पता चला तो तुम्हारे पीठ बस समझो। कहकर कार के चाबी उसे दे दिया। उस कार को बड़े खुश होकर चलाते हुए बालाजी, वाह, आज मेरी किस्मत बदलने वाली है, इस नए कार से आज मैं स्टार बन जाऊंगा, कहकर गाते हुए एक मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते ही दूसरे कार से जा टकराया, इससे उसका पैर टूटा। वो दूसरी कार उसके बॉस की थी तो इसकी नौकरी चली गई। अब टूटे पैर पर पट्टी बांधकर छूटी हुई नौकरी का शोक मना रहा था कि उसी रास्ते से जा रहे मनोज इसे देखकर हंसते हुए, पागल बकरा, मेरे बातों में आकर बुरा फंसा, जोश में आकर होश खो बैठा, अब इसे नजर नहीं आना चाहिए, पकड़े गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहकर हंसता हुआ वो वहां से चला गया। धत, वो कमीना मनोज लालची दगाबाज निकला, मुझे उल्लू बनाकर ये खटारा मेरे गले बांध दिया, कहता था कि किस्मत बदल जाएगी, कहकर गुस्से में उस कार के टायर को अपने बैसाखी से जोर से मारा, तब वो टायर अलग होकर गिर गए, उनमें से हीरे बाहर निकले, वे चमक रहे थे। उसे देखकर बालाजी उछलते हुए, वाह वाह रे वाह, मेरी किस्मत खुल गई, कहकर उन हीरों को बेचकर एक बड़ा बिजनेस शुरू किया।